जय माता दी, जय भीमा काली सरहान। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों ब्लॉग शुरू करने से पहले कुछ एक झलकियाँ आपको दिखाता हूँ भीमा काली माता सरहान की। जो लोग हिमाचल से बाहर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को बता दूं ये भव्य मंदिर जो स्थापित हुआ है रामपुर से लगभग 47 किलोमीटर दूर, जगह का नाम है सरहान। जी हाँ, ये जो मंदिर है ये सरहान में स्थित है। माँ भीमा काली का ये मंदिर, हम यहाँ पर गए थे माथा टेकने माँ के मंदिर। मैरिज के बाद हम मंदिर नहीं गए थे, तो हमने सोचा सबसे पहले हम जाएंगे माँ भीमा काली का आशीर्वाद लेने सरहान। तो हम हमारी फैमिली के कुछ एक सदस्य, हम सारे गए थे, कुछ एक रिलेटिव थे। और दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा व्लॉग है वो शुरू होता है संदीप देवता जी के मंदिर से, जो है रंदल। आज आ रहे हम, आइए नवरात्रे तो वही खत्म हो गए, मिलते हैं व्लॉग में ही। फिर भी मंदिर कभी भी जाते हैं, तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले वो देवता के मंदिर में, तो वही उसके बाद जाएंगे हम भीमा काली माता। और हमारे साथ है अभी शब्बू और साथ में है रिनी, तो भाई वहाँ पर है मंदिर और हमें पहुँचना है वहाँ पर। बादल भाई का वेट कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप? हम थोड़ा प्रसाद लेने में व्यस्त थे। मैं आ रहा हूँ, मैं तो मैं ही दिख रहा हूँ इसमें, हाँ तो बाहर को दिख रहा है, दोनों साइड दिख रहे हैं। तो गाड़ी कर दी हमें भाई पार्क, दोनों गाड़ियाँ अपनी लगी है। और यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी एक रास्ता घर के लिए। ये मंदिर परिसर में आए हम लोग, ये हमारे बहन श्री और ये है भाभी जी। आज आए हम माता के, नहीं मेरे बाप, मेरे मुँह में माता आ रही है बार बार। आज आए हम चंबू देवता जी के मंदिर में, तो सभी लोग दर्शन करके अब हम वापस जा रहे हैं। तो मंदिर परिसर में यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, तो हम बाहर ही यहाँ पर फोटोशूट कर रहे हैं। ये हमारे फोटोग्राफर आए, सस्ते वाले फोटोग्राफर। ओह प्लीज हां, मेरे तो वही दर्शन करके अब हम जा रहे हैं वापस, चंबू देवता के दर्शन करके मंदिर में जा रहे हैं। अब माता के मंदिर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं इस मंदिर से, तो वापस जा रहे हैं मंदिर परिसर से। अब ये हम वापस जा रहे हैं और अब जाएंगे हम सरोज जो स्कूल है भाई, जहाँ से हम भी जा रहे थे। प्रसाद पकड़िएगा अर्चना जी, ना के आई है, ना भी रही है साथ में।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर। हम घर से काफ़ी लेट चले थे, तो सारे लोग यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं अभी। तो बादल भाई की मेमोरी फुल हो गई है, क्यों 512। भाई जी कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा लगा आपको? फर्स्ट टाइम था आपका? सेकंड टाइम? तब ठीक है। फाइनली फोटो शूट हो चुका है हमारा खत्म, और सारे गैंग पार्टी अपनी दर्शन करके भाई। अब हम चल पड़े हैं वापस। जिस भाई ने ये मंदिर नहीं देखा है भाई, उनको मैं बता दूं, ये जो मंदिर है ये रामपुर से लगभग 47 किलोमीटर दूर, जगह का नाम सराहन है। तो सराहन में ये जगह है, हमें बादल भाई पूरी शॉपिंग करे किचन की, और किचन में जाते भी नहीं है फिर भी शॉपिंग करे किचन की। हमें जैसे कभी क्वालिटी बिल्ट मटेरियल कैसा है भाभी, चेक करें आप लड़ने के लिए ठीक है? लड़ने के लिए आप
अच्छा गाना भाई, कोई मस्त सा गाना। चलो चलो व्लॉग बन रहा है, कोई ना बढ़िया वाला यार भाई, प्लीज 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 यार भाई, अच्छा था, अच्छा लगा एक वक्त, प्लीज। हर कुछ नहीं कैसा था सॉन्ग? बहुत अच्छा, याद आई? कैसा था जी सॉन्ग, कैसा था? बढ़िया। और 10 रुपए देते इसको और भी जाते लेना नहीं हो रहा, मुझे सुनना ही है सिर्फ। पैसे दिए? यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ भाई, हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब। ठंड कैसी है? ठंड कैसी है? बिल्कुल नहीं है। अब तो भूख भी लग रही है, खाने का मन भी कर रहा है। क्या 850 अच्छा फोटो का मामला है। लगता है पूरा दशहरा खरीद लिया है, पूरा दशहरा। रावण भी लाया, रावण रावण के अवशेष भी लाए। हम रह गए हैं पीछे, हम चल रहे हैं पैदल, हम पैदल जाएंगे। हमारी गाड़ी बहुत आगे पार्क हुई है, प्रसाद लेके जा रहे हैं हम, भूख बहुत ज्यादा लगी, इसको खा नहीं सकते, स्पेशल मना की है इसको खाने के लिए स्पेशली। क्यों मोटू क्या खाएगी? चौमिन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपने हिमाचली छोकरा को यूं ही प्यार देते रहिएगा। और एक बार फिर से माता रानी से चाहूँगा कि आप सभी अपने घर में तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।